और अब बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह का उदयपुर दौरा प्रस्तावित बताया जा रहा है। 27 जून को उदयपुर आएंगे अमित शाह। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। प्रस्तावित कार्यक्रम बताया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का उदयपुर का। दरअसल 27 जून को तारीख बताई जा रही है कि अमित शाह आएंगे उदयपुर। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। कई मायनों में बेहद खास हो जाएगा अमित शाह का ये दौरा, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि अप्रैल में गृह मंत्री अमित शाह भरतपुर आए थे, उसके बाद ही उदयपुर का दौरा उनका बन रहा है। फिलहाल ये प्रस्तावित दौरा बताया जा रहा है 27 जून को गृह मंत्री अमित शाह का। तो दरअसल मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर एक राज्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में अगर राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी कार्यक्रम कर रही है। मोदी सरकार के उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जा रही है, बता रही है कि 9 वर्ष में क्या मोदी सरकार की तरफ से बेमिसाल काम किए गए हैं उनके लिए। और इसी के तहत एक कार्यक्रम आयोजन उदयपुर में होना है, उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। 27 जून को प्रस्तावित गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बताया जा रहा है। तो देखिए, जानकारी ये मिली है कि गृह मंत्री अमित शाह का उदयपुर दौरा प्रस्तावित है। अब देखना यह भी होगा कि इस कार्यक्रम के अलावा किन किन से मुलाकात होती है, क्या वो कहते हैं, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, जानने के लिए सीधे रुख करते सहयोगी रवि शर्मा हमारे साथ जुड़े। रवि, प्रस्तावित कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह का बन रहा है 27 जून को, अभी और क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है दरअसल ये पूरा प्रस्तावित कार्यक्रम है जिसमें मोदी सरकार के जो 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं, पार्टी को किस तरीके से और मजबूती दी जाए और खासकर आम जनता तक हर कार्यकर्ता भाजपा का जो है वो कैसे मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं उनको जनता तक पहुंचाए और इस बात को बताया जाए कि किस तरीके से 9 वर्षों में पूरे देश ने तरक्की की राह पर किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया है। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं ये भाजपा का कार्यकर्ता समझता है, उसको और इस बारे में समझाया जाए। और देखिए, राजस्थान में चुनाव भी होने हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले महीनों में, तो ऐसे में इस लिहाज से भी ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने काफी कंसल्टेशन किया है आदिवासी बाहुल इलाके में। खासकर प्रदेश के सीएम की बात करें तो वो लगातार इस इलाके में आ रहे हैं। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का ये जो दौरा है, हालांकि अभी प्रस्तावित है, पूर्ण और आगे जो डिटेल्स है वो और साझा होंगी, लेकिन उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उदयपुर का ये जो दौरा है। जी ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, अभी प्रस्तावित है दौरा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बीते दिनों देखा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे उदयपुर में और बाकायदा रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री ने वहां पर किया था, चाय की चुस्कियां लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आए थे और वहां पर आम लोगों से मुलाकात भी की थी, बातचीत भी की थी। यहां तक कि रात का समय था, 11:30 बजे करीब मुख्यमंत्री लोगों के बीच मौजूद थे, चाय का आनंद ले रहे थे, लेकिन आम जनता वहां पर मौजूद थी, उनसे भी बातचीत मुख्यमंत्री ने की थी। लेकिन खास ये भी था कि जो योजनाएं सरकार की हैं उनका फीडबैक वो खुद दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी है गृहमंत्री अमित शाह के दौरे की कि ये ना केवल मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, बल्कि रणनीति के हिसाब से भी ये दौरा बेहद अहम है। लेकिन अभी प्रस्तावित है गृहमंत्री अमित शाह का ये कार्यक्रम।